सबसे पहले जितने भी ब्लॉगर हैं और जो भी मीडिया चैनल हैं सबको जोहार। सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि आज जितना भी आपका धनबाद हो, झरिया हो, जितना भी कोल माइंस चल रहा है, मैक्सिमम जमीन बिना सीएनटी परमिशन लिए, बिना जमीन अधिग्रहण किए, केवल वो होता है ना, मतलब जोर जबरदस्ती से, गुंडागर्दी से माइंस चल रहा है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को, सरकार को, मंत्रालय को अपने हाथ में लेकर के बस इनका माइंस चल रहा है। तो हम लोग जितने भी ग्रामीण हैं, जो भी रैयत हैं, हम लोग का केवल एक ही चीज़ है कहना है कि आपका कौन सा कानून में लिखा है कि आप बिना जमीन अधिग्रहण किए आप माइंस चलाइएगा? आपका झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है, आपको कौन सा कानून परमिशन देता है कि आप सीएनटी सेक्शन 49 भूमि अधिग्रहण बिना किए ही आप यहाँ माइंस का काम करें? तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, सरकार हो चाहे सिस्टम हो, कि आप डीसी का नोटिस है, सीओ का नोटिस है, सबको आप दरकिनार करते हुए जो माइंस चला रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह गैरकानूनी है, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि पॉल्यूशन बोर्ड का भी नोटिस है कि आप नदी के सामने डंप नहीं कर सकते हैं, नदी को आप डैमेज नहीं कर सकते, इसमें हजारों लाखों आजीविका चल रही है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं नदी के सामने ही डंप कर रहा है। आप देख सकते हैं वो जो ओबी है, वो पेड़ पौधा उसके जस्ट बगल में दामोदर नदी है, एकदम सटा हुआ है नदी का बाउंड्री, और नदी के सामने लोग डंप कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा जो हरा भरा जंगल है, हम लोग का जितना भी मतलब हजारों पेड़ पौधा के ऊपर कोई इसका इन्वायरमेंट क्लियरेशन नहीं है, क्या कि पॉल्यूशन बोर्ड इसको ऑलरेडी नोटिस कर चुका है कि आपको नदी के सामने हजारों की संख्या में पेड़ लगा करके रखना है, लेकिन ये लोग फिर भी जबरदस्ती एकदम मनमाना तरीका मनमानी करके यहाँ ये लोग ओबीडम कर रहा है। तो हम लोग बार बार इन लोग को बोले हुए हैं, बार बार जीएम के साथ वार्ता होता है, एसडीओ के साथ वार्ता होता है, सीओ के साथ वार्ता होता है कि आपको मुआवजा दे दिया जाएगा, नियोजन दे दिया जाएगा, लेकिन ये लोग का मतलब ठोस कार्रवाई ये लोग नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अब टारगेट लिए हैं कि अभी आप देखे होंगे कि एसडीओ के द्वारा 140 लगा दिया गया। क्या आप लोकतंत्र में लोगों को आंदोलन करना गलत है? क्या आदमी अपना हक अधिकार के लिए अब आंदोलन भी नहीं कर सकता है? ये तो आप पूरी तरह से अंग्रेजों वाला शासन लागू कर दे रहे हैं कि हमको ये जगह चाहिए तो हम फोर्स बुला करके, अपना पुलिस बल लगा करके, लाठीचार्ज करके, कुछ भी करके, जोर जबरदस्ती माने किसी भी तरीका से हम वहाँ माइंस चलाएंगे। आप वहाँ का रैयत को एक कीड़ा समान समझ रहे हैं एकदम। वहाँ रैयत अगर बोलना चाह रहा है तो केस कर दे रहे हैं, जेल भेज दे रहे हैं, तो आदमी अगर करेगा तो क्या करेगा? आंदोलन ही उसके सामने एक रास्ता बचता है जिसके द्वारा वो अपना हक अधिकार के लिए, अपना जितना भी माटी का है उसके लिए आप लड़के अपना अधिकार ले। आज जयराम महतो के भी एक सवाल यहाँ होने वाले थे, क्या जयराम महतो आ रहे हैं? देखिए, जयराम दा का कल बात हुआ था, जयराम दा से तो उनसे बात हुई थी, तो वो बोले थे कि हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। और हमारे साथी जो विशाल हैं उनसे भी बात हुई थी, वो भी बोले, उनसे भी बात, तो भी बोले थे कि हम आएंगे। और आज उनका सुनने में आया है कि उनके एक साथी हैं, वो फ़ोन करके बताएं कि उनका कोर्ट में अभी डेट है, तो जैसे ही कोर्ट का उनका काम पूरा होता है उसके बाद हमें सूचना प्राप्त होगी कि वो कब तक आएंगे या आएंगे। 144 लगा हुआ है उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप लोग संविधान से खिलवाड़ नहीं करते? देखिए, हमारे लिए देखिए एक होता है ना, आदमी हर एक चीज़ से समझौता कर सकता है, लेकिन एक होता है ना, झारखंड का नारी और झारखंड का माटी माँ के समान है, तो आदमी अपना माटी के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। आदमी हर एक चीज़ से हम लोग समझौता कर लेंगे, माटी के साथ कभी नहीं समझौता करेंगे। इसमें बस एक ही चीज़ आएगा, या तो हम रहेंगे या प्रोजेक्ट रहेगा। उसमें अभी हम लोग विधिवत, हम लोग अगर चाहते हैं तो हम लोग दबंगई तरीका से इसका गाड़ी है जो भी चल रहा है, हम लोग इसका क्या बोलते डैमेज भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं प्रशासन को सूचना दे करके विधिवत हम लोग पूरी तरह संवैधानिक तरीका से बैठना चाह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, आंदोलन के जरिए ही हम लोग अपना मांग को पूरा करेंगे। और ये जो ग्रामीण जुटे हुए, ये कहाँ के, आप ही के गाँव के? जहाँ स्टार्ट भौरा, फरसियाबाद, इधर 12 नंबर, गोरखुटी, सब रही है। आंदोलन क्या अनिश्चितकाल है या आंदोलन? अनिश्चितकालीन आंदोलन है, इसमें जब तक हम लोग का मुआवजा नहीं मिलता है, जब तक हम लोग की जो मांगे हैं, भौरा 12 नंबर का विस्थापन है, और जहाँ स्टार्ट के उधर जो डंप कर रहा है, ये लोग बिना अधिग्रहण किए ही, देखिए पहले इनका 4A पैच प्रोजेक्ट चलता था, अब हाँ सबसे पहले 3 फीट चला 15 में, ये लोग किसी को मुआवजा नहीं दिया, बिना अधिग्रहण किए गुंडागर्दी से चलाया। माइंस का कॉन्ट्रैक्टर BCCL ऐसा आदमी को दे रही है जो बाहुबली है, जो बाउंसर लेके खड़ा कर देता है, एकदम गन लेके चलता, बोलता है भागो नहीं तो गोली मार देंगे,
आप सुने होंगे यहाँ गोलीकांड हुआ था तो पूरा हाइबा वी लोग का जितना भी है गाड़ी आग लगा दिया था। तो ये लोग पूरी तरह गुंडागर्दी से चाहता है कि ना मुआवजा देना, नियोजन देना, बस माइंस चलाना है, मतलब भारी मात्रा में कोयला निकालना है और अपना प्रॉफिट कमाना है। थ्री फीट में ये लोग किसी को पेमेंट नहीं किया, फोर ए पैच में भी ये लोग किसी को, मैंने फोर ए पैच में केवल एक विश्वकर्मा का किया है, एक कर्म का कमार का किया है और एक सुकुमा जी किया, बाकी अदर जो भी रहे थे उपायुक्त उमाशंकर सिंह द्वारा एक नोटिस किया हुआ है सीएमडी के नाम से, उसमें बोला गया है कि 22 एकड़ ज़मीन का मुआवजा दीजिए। तो आप फोर ए पैच में मुआवजा नहीं दिए और उसके बाद आप फोर ए मेगा टेंडर स्टार्ट कर दिए, उधर जो उसका आ रहा है वो मेगा टेंडर में आता है, उसके बाद इधर ये पूरा भौरा बाजार ले रहेगा, पूरा आगे तक सीटू पैच जाएगा। तो ये लोग केवल विस्तार पे विस्तार कर रहा है, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट चला रहा है, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं दे रहा है, ना ही किसी का विस्थापन कर रहा। अब राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट में भी अगर देखने जाइएगा तो सबसे पहले आपको रिहैबिलिटेशन करना है, सबको जगह दीजिए, जैसा गांव बसा है वैसा गांव बसाइए। आप स्कूल देखिए, हम लोग के बगल में गुमन महतो स्कूल है, स्कूल को भी ये लोग विस्थापित नहीं किया, स्कूल को जहाँ शिफ्ट करना चाहिए अच्छा जगह में, अच्छा फैसिलिटी जो भी उसका उसका अभी प्रोविज़न देखिए, प्रोविज़न यही है, सबसे पहले आप स्कूल बसा रहे हैं तो रहती ज़मीन रजिस्ट्री करके जो भी रहिए थे उसको पहले ज़मीन दीजिए, उसके बाद ज़मीन का मुआवजा दीजिए, उसके बाद जो होम वैल्यूएशन है होम वैल्यूएशन दीजिए, उसके बाद जितना भी आदमी वहाँ पीड़ित है जो रोज़गार उसका छीन जाएगा, कहीं कहीं ना कहीं आदमी है तो रोज़गार से जुड़ा हुआ है, जो भी आदमी है चाहे वो इंक्रोचर हो या रैयत हो, सबको ही यहाँ रोजगार से जुड़ा हुआ, तो आप वहाँ शिफ्ट कीजिएगा तो उसका रोजगार कहाँ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको रोजगार देने के लिए भी एक बीसीसीएल का ही पॉलिसी है, उसमें वो लोग बोलता है 365 दिन तक हम भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता। तो ये लोग बीसीसीएल का पॉलिसी भी नहीं मानता है, बीसीसीएल का आरएनआर पॉलिसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो लोग राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट को फॉलो करेगा या उसकी मैनेजमेंट जो अपनी पॉलिसी रहती है बोर्ड के अनुसार वो लोग अपना माइंस आगे बढ़ाएगा। और वो लोग भी मैंने पॉलिसी के अनुसार भी है कि हम पहले अधिग्रहण करेंगे, फिर रिहैबिलिटेट करेंगे, फिर मुआवजा देने के बाद सारा रूल फॉलो करने के बाद हम माइंस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग नियम को कानून को सब चीज़ को अनदेखा कर करके, अभी लोधना एरिया का बहुत आ रहा था केस, लोधना एरिया में देखिए तो पूरी तरह बाहुबली से पूरी तरह गुंडागर्दी से लोग माइंस चला रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि केवल ये भौरा का ही नहीं, आप देखे होंगे केंद्रवाड़ी हो या पुटकी हो, हर जगह केस आता है, भागाबांध हो, आपको पटिया हो, हर जगह ये लोग चाह रहा है कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, मुआवजा किसी को देना नहीं है, बस गुंडागर्दी से माइंस चलाना। तो जितना भी धनबाद के रैयत है सबको हम यही बोलना चाहेंगे कि अब अगर हम लोग एक होकर के नहीं लड़े तो ज़मीन तो देखिए हमारे पास बचा कुछ नहीं है, ज़मीन छीन जा रहा है, हमारा रोजगार छीन जा रहा है, हमारा जितना भी हम लोग के पास है घर द्वार प्लास्टिक से तोड़ दे रहा है, हम लोग हमारे पास बचा क्या, बचने लायक कुछ रह नहीं गया। अब हमारे पास एक ही चीज़ रहता है कि सर में कफन बांध के निकलिए, या आप रहिएगा या हम रहेंगे, या तो प्रोजेक्ट वाला रहेगा या बीसीसीएल रहेगा या हम रहेंगे। लेकिन हम लोग जहाँ तक कोशिश करते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं पहले का पूर्वज लोग रहता था 80 के दशक में, हम लोग का बहुत कम ऐसा आदमी रहता था जो ग्रेजुएशन किया रहता था। बीसीसीएल जब आई, नेशनलाइजेशन हुई 1971-72 के आसपास, तब हम लोग का आदमी उतना पढ़ा लिखा नहीं रहता था, वो लोग का किसी से एग्रीमेंट कराया, किसी से कुछ लिखित करवा लिया, अंगूठा लगवा लिया, आपको नौकरी दे रहे हैं, अपना ज़मीन दे दीजिए। सबको ही यहाँ जानता है कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें लिखा है कि नौकरी देने से आपका ज़मीन हो जाएगा, कोई ऐसा कानून नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोग को ठग ठग के कैसे भी करके लिया और बीसीसीएल कंपनियां स्थापित हुई। तो जैसे जैसे आप बढ़ते गए, उस टाइम तो पढ़ा लिखा नहीं था, उस टाइम आदमी मारपीट भी किया, झगड़ा भी किया, झारखंड राज्य के लिए आंदोलन भी किया, लेकिन आज जब हम लोग का समाज कहीं ना कहीं पढ़ रहा, आजकल का लड़का पढ़ लिख करके आगे बढ़ा, फिर भी आप अगर हमको दबाइएगा टॉर्चर कर कीजिएगा कि आप हट जाइए, 144 लगा देंगे, फलना ही कर देंगे, वो कर देंगे, लाठी चार्ज कर देंगे, तो कहीं ना कहीं लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, मारो या मरो, या तो आप रहिएगा या तो हम रहेंगे। क्या कि हम लोग कोल फील्ड का जितना भी रैयत है, एक तो कोल माफिया हो या रंगदार हो, यहाँ का माइंस का मालिक हो या बीसीसीएल कंपनी का दलाल हो या बीसीसीएल कंपनी का मैनेजर या कोई भी ऑफिसर हो, सबसे आदमी परेशान हो चुका है। लास्ट में अगर नहीं होता है तो हम लोग का मारो या मरो, एक ही चीज़ बचेगा। अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन से हमारा वीडियो अगर SDO सर देख रहे हैं, SSP सर देख रहे हैं, DC सर देख रहे हैं, तो उनसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप DC के यहाँ CMD के यहाँ बैठक बुलाइए, हम लोग सब रैयत लोग जाएंगे और ऑन कैमरा, आप कोई ऑफिस में नहीं, कोई जगह नहीं, आप लिखित आप कीजिएगा तो ठीक, लिखित नहीं भी कीजिएगा तो ठीक, सब ब्लॉगर रहेगा, सब मीडिया वाला रहेगा, एकदम खुले मंच में आप
वार्ता कीजिए और खुले मंच में बोलिए कि इतना दिन के अंदर आपको मुआवजा देंगे, इतना दिन के अंदर आपको विस्थापन करेंगे। आज देखिए आपको दिखा देंगे एक बार, आप कवर वहाँ कर लीजिएगा, वीडियोग्राफी कर लीजिएगा। 12 नंबर जो स्कूल है नीचे, इसका अंडरग्राउंड माइंस चला है, गोप हो गया, एक लेयर ऊपर में है तो एक लेयर नीचे हो गया, पूरा का पूरा धस के एक पूरा मोहल्ला 12 नंबर माइंस में घुस जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। गोप हो सकेगा, गोप मतलब होता है कि एक एरिया पूरा धस चुका है, नीचे पूरा खाई है, जिस तरह भूकंप होता है तो धरती फट जाती है ना, वैसा हो चुका है। आप लोग एक बार कवर, इतना डरावना है कि आदमी लोग रहता नहीं है, ब्लास्टिंग होता है तो घर से बाहर निकल जाता है रोड में, कभी भी यहाँ बहुत बड़ा घटना घट सकता है। आप जब SDO का वो 144 वाला पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि ये भूदशान क्षेत्र है। तो आखिर इतना सिचुएशन गंभीर हुआ कैसे, आखिर कोल कंपनी क्या कर रही है? आप लोग को बस पैसा कमाना है, आप लोग का दिमाग में एक चीज़ भी नहीं है कि यहाँ आदमी घना आबादी रह रहा है तो इसको पहले विस्थापित करें, इसको सही जगह सेफ जगह बसाएं, यहाँ जो रैयत है उसको मुआवजा दें, जो भी रूल यहाँ 4 नंबर में जो भी रैयत का विस्थापन हुआ अभी तक वो लोग को मुआवजा नहीं मिला है, अभी तक वो लोग को आप रिहैबिलिटेट नहीं किए, जो प्रोविजन बनता है वो आप फॉलो नहीं कर रहे। तो बस आपको केवल कोयला चाहिए, गुंडागर्दी से माइंस चलाना है तो हम लोग कब तक बर्दाश्त करें? ये हमारा पहला आंदोलन नहीं है, दूसरा आंदोलन है, आपको लिखित पे लिखित, एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट, इतना एग्रीमेंट दिखा देंगे SDO के साथ, CO के साथ, GM के साथ, प्रोजेक्ट ऑफिसर के साथ, सबके साथ एग्रीमेंट है। ये लोग एक साल के लिए रहेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, फिर दूसरा GM आएगा, अरे हम तो नया है, फिर दूसरा SDO आएगा, अरे हम तो नया है, इस बार मेरे ऊपर भरोसा कर लीजिए, फिर दूसरा CO आएगा, इस बार मेरे ऊपर भरोसा कर लीजिए, हम मुआवजा दिलवा देंगे, फिर दूसरा DC सर आएंगे, DC सर भी यही बोलेंगे, अरे मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। आखिर किन के ऊपर भरोसा करेंगे? CMD भी चेंज होते रहते हैं, GM भी चेंज होते रहते हैं, पहले देखिए एक बार साहस सर थे वो बोले कि आपको किसी हाल में दिलाएंगे, फिर सिद्धार्थ दास आए वो भी बोले कि अच्छा कर देंगे, फिर अभी कोई चक्रवर्ती आए, तो माने हम लोग केवल झेलते रहे। आप प्रॉफिट कमाते रहिएगा, आपका पेट भरते रहेगा, जो जमीन का मालिक है जिसका जमीन से कोयला निकल रहा है वो भूखे मरे, हम लोग भीख मांगने के लिए बने हैं, आप ऐसा नहीं चलने देंगे। हम लोग का सीधा सिस्टम है, मुआवजा दीजिए। आप SDO सर खुद लिख के दिए, यही SDO थे प्रेम कुमार तिवारी, ये खुद लिख के दिए हैं इनका जो जमीन का मुआवजा था, 10 से 15 दिन के अंदर नौकरी और मुआवजा देंगे। क्यों नहीं मिला नौकरी मुआवजा? आप पौधू महतो को बोले कि हम करके देंगे, क्यों नहीं मिला? तो दो नोटिस आया था, एक नोटिस में लिखा था कि आप यहाँ जो जाएंगे सबका नंबर नोट किया जाएगा, और दूसरा नोटिस में आया है कि अब ये भूदशान क्षेत्र है, जबकि माइंस के इतना भारी भरकम गाड़ी चलते तो उसके लिए कुछ नहीं यार, यहाँ जब क्या बोलते हैं आप जितना मतलब रहती आप यहाँ जो सभा करना चाहते उसमें बोल रहे हैं कि भूदशान क्षेत्र है, मतलब ये रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इसमें क्या कहेंगे? वही तो बात है, वही तो, जब यहाँ सरकार के लिए जब काम होता है, जब यहाँ बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, बड़ा बड़ा बिल्डर, बड़ा बड़ा माने ठेकेदार लोग यहाँ काम करेगा, उनके लिए रूल रेगुलेशन नहीं है, सब लीगल है, सब लीगल है। उनके लिए प्रोजेक्ट जब चल रहा है वहाँ 144 लागू नहीं हो रहा है, भूदशान क्षेत्र उनके लिए नहीं है, उनके लिए ये जब यही 2-3 दिन पहले घटना यहाँ का जो आपको दिख रहा वो भी धस के नीचे घुस गया था, उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। उनके लिए नदी भी ठीक है, नदी के सामने डंप करे, नदी को डंप करके बंद कर दे तो भी उनके लिए ठीक है, हम लोग के लिए जब अगर हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, आखिर हम लोग मुआवजा मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? मुआवजा मांगना संवैधानिक अधिकार है आदमी का, अगर हम लोग अपना सही चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो हम लोग के लिए गलत है। उसमें आप 144 लगा दिए, मतलब पूरी तरह से आप गुंडा राज बना के रखें, हम लोग जो चाहेंगे वही करेंगे, रैयत जो करेगा वो गलत है, हम लोग को मैंने किसी तरह का अधिकार मांग रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं तो वो हम लोग गलत कर रहे हैं, इनको केस करके जेल भेज देना है, इनको मैंने एक से एक उग्रवादी वाला सेक्शन लगा देना है, गुंडागर्दी वाला सेक्शन लगा देना है इनको, मैंने इनको मैंने एक होता है ना, अगर आदमी सही चीज़ के लिए लड़ रहा है तो उसको नहीं करने देना। तो जितना भी यहाँ धनबाद के रैयत है और जो भी माइन से जुड़े हैं उनको एक एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि जमीन का मामला में आपका डिस्प्यूट है, आप CO को पकड़िए, आपको करना होगा तो करना होगा। BCCL डायरेक्ट बोलती है कि उससे पेपर बनवा के लाओ, अरे पूरा सिस्टम SDO के हाथ में रहता है, आपका भू अर्जन को पैसा दे दिए आप, हम लोग भू अर्जन से लड़के लेंगे, आप BCCL पॉकेट में पैसा रखे गए हैं, आपका एक कोल बेयरिंग एक्ट है, आपका LA एक्ट है, आप किसी भी प्रोसेस में जाइए, आपको अधिग्रहण करना रहेगा, आप डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो किसी तरह की से परचेस कर सकते हैं, आपको परचेस करना नहीं है, आपको वो जानती है कि अगर एक रैयत को 10 करोड़ देंगे तो भौरा में ही हमको 1 अरब देना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ कुटकी कोलियोरी है, उसके बाद सुदामडी है, लोधना है, कहाँ कहाँ पेमेंट करेंगे?
और हर एक एरिया में, एक तो फ्रेश लैंड का भी मुआवजा नहीं दे रही है, इसका पुराना लैंड जो भी नौकरी दी है उसमें मुआवजा दिए नहीं अभी तक, और उसमें एक एक रैयत का, एक एक घर का 10-10 करोड़ रुपया मुआवजा जाएगा अभी जो भौरा एरिया का नगर निगम का रेट है उस हिसाब से। लेकिन ये लोग तो चाह नहीं रही है कि पेमेंट करना है, कहे कि इनको केवल माइंस चलाने से मतलब है। ठीक है, धन्यवाद।